शहजादी डियाना की जिंदगी की सैकड़ों घंटों पर मोहित आर्काइव वीडियोस पर मबनी दस्तावेजी फिल्म रिलीज करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। डायरेक्टर एड परकिंस ने नई दस्तावेजी फिल्म में शहजादी डियाना की जिंदगी की सैकड़ों घंटे की फुटेज के जरिए उन लम्हात को समाने की कोशिश की है जिनसे मुतालिक उन्हें उम्मीद है कि वो लेडी डियाना की मौत के 25 साल बाद उनकी जिंदगी और अवाम में उनके तासुर का नया रुख पेश करेंगे। उनकी नई फिल्म द प्रिंसेस मुकम्मल तौर पर लेडी डियाना की जिंदगी की आर्काइव वीडियोस पर मुश्तमिल है जिसमें उनकी जवानी से लेकर 31 अगस्त 1997 को 36 साल की उम्र में उनकी मौत और उसके नतीजे में शोक के गैर मामूली मनाजिर शामिल हैं। एड परकिंस का कहना है कि दस्तावेजी फिल्म में इंटरव्यूज और तजियों के रवायती अंदाज से बचते हुए लेडी डियाना मीडिया और अवाम के दरमियान ताल्लुकात की पेचीदगियों को खोजने की कोशिश की गई है और वो इसके नाजरीन से जज्बाती रद्दअमल की उम्मीद रखते हैं। फिल्म डायरेक्टर के मुताबिक हमारी कोशिश थी कि इस दस्तावेजी फिल्म में लेडी डियाना की जिंदगी पर मबनी आर्काइव वीडियोस को एक किस्म की टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि नाजरीन को माजी में वापस ले जाया जा सके और उन्हें उस वक्त में दोबारा जीने का मौका दिया जा सके। एड परकिंस लेडी डियाना की मौत के वक्त 11 बरस के थे। वो उस उलझन को याद करते हैं जो डियाना की मौत के वक्त अपने जज्बात में महसूस की। उम्मीद जाहिर की कि उनका फिल्म साजी का अंदाज नाजरीन को लेडी डियाना के साथ अपने ताल्लुक का असर नो तजिया करने की तरगीब देगा। उनका कहना है कि लेडी डियाना की कहानी बयान करते हुए जिस हिस्से पर सबसे कम तवज्जो दी गई वो ये कि उनकी कहानी हम सब के बारे में क्या कहती है। इसी सोच के साथ ये दस्तावेजी फिल्म तैयार की गई है। लेडी डियाना की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म द प्रिंसेस 30 जून को बरतानिया के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। ख्याल है कि 1981 में महज 20 साल की उम्र में लेडी डियाना की शादी शहजादा चार्ल्स से हो गई थी और वो आलमी तवज्जो का मरकज बन गई थी। बाद अजां लेडी डियाना की शहजादा चार्ल्स से 1996 में तलाक हो गई थी जिसके बाद एक साल बाद 1997 में वो फ्रांसीसी दारुलहुकूमत पेरिस में कार हादसे में हलाक हो गई थी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।